हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और जैसा कि पता है आपको, हमने एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 2 है। हमने फर्स्ट क्लास में एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ करवा दूंगी, ताकि आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ सकें और वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकें। तो आज की क्लास का जो हमारी क्लास सेकंड का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमारे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, जिसमें आपके पास जो टॉपिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आपने देखा होगा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें ये पढ़ना होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या फॉर्मूला आपके पास, K2Cr2O7। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको डेली एक क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। आप कोई भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री है, चाहे वो आर्मी स्कूल का है, चाहे DSSB का, किसी भी चीज का है, वो आपको हेल्पफुल पक्का होगी ये क्लास। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और हम पढ़ते हैं किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अगर हम बात करें, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे हम, तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको देख लेते हैं अब हम अच्छे से। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, ये क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, विजिबल है क्या? आई थिंक ये विजिबल नहीं है, कलर ब्लैक कलर लेती हूँ। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक मिनट देखना भाई, एक मिनट रुकना, इसको रिमूव कर देते हैं, ये कलर विजिबल नहीं है। बस अब ये है आपके पास K2Cr2O7, हमें पढ़ाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए, अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बात कर लूँ, आपके पास K2Cr2O7 के बारे में बात कर लूँ, तो ये आपके पास जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये आपके पास, एक आयनिक कंपाउंड है। बड़ा ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो यह ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2K+ एंड Cr2O7 2-। 2K पॉजिटिव एंड Cr2O7 2-। इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये है पोटेशियम आयन, ये है आपके पास डाइक्रोमेट आयन। क्या है ये आपके पास, डाइक्रोमेट आयन। तो यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये डाइक्रोमेट आयन ही है आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो ब्रेक हो जाता है पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन में। किस कलर का ये आयनिक कंपाउंड है, अगर मैं बात करूँ तो ये ऑरेंज रेड कलर का आयनिक कंपाउंड होता है। किस कलर का होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का आयनिक कंपाउंड होता है। देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर आपके सामने बात कर लूं, ठीक है, कि भाई इस पोटेशियम, इस डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मुझे डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखना है, किसका स्ट्रक्चर आपके सामने क्या होगा, तो मैं आपके सामने देख लेती हूं कि जो डाइक्रोमेट आयन है क्रोमियम, ठीक है, Cr2O7, तो कितने क्रोमियम है, 2। ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आप ऑक्सीजन लगा दें। और एक आपके पास यहां लग जाएगी, सेंटर में लग जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन है टोटल 7, ठीक है। और हमने बोला कि 2 ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव लगा देते हैं, यहां नेगेटिव, और ये आपके पास डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डाइक्रोमेट आयन का आपके सामने स्ट्रक्चर तो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम की कितनी वैलेंसी होती है, क्रोमियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्रोमियम के 6 जो है वो भी बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, तो ये आपके पास बन गया। अब मैं क्या कह रही हूं, ये रेजोनेंस शो कर सकता है, ये यहां आएगा तो ये यहां जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फर्दर ऐसे शो करेगा। तो मैं क्या कह रही हूं, ये आपको क्या शो कर देगा, रेजोनेंस शो कर देगा। और अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो हमारे पास कितने ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है, 6, हमारे पास ये 6 CrO बॉन्ड है, और इन 6 CrO बॉन्ड की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ आर सेम, इन 6 CrO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ सेम क्यों हो जाएगी, तो आंसर आएगा क्या, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन 6 CrO की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ सेम क्यों हो जाती है, तो हम कहेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस। तो आपने क्या सीखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का आयनिक कंपाउंड होता है जो पोटेशियम और डाइक्रोमेट आयन बनाता है। डाइक्रोमेट आयन का आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और इस डाइक्रोमेट आयन के अंदर 6 CrO बॉन्ड जो है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, इनकी
बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों होती है अगर हम बात कर ले तो हमने बोला ड्यू टू रेजोनेंस देयर बॉन्ड लेंथ आर सेम। अब हम सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं इनकी प्रिपरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, क्या पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ठीक है हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो यहां पर प्रिपरेशन में आता है वो यही आएगा कि ये प्रिपेयर किया जा सकता है बाय क्रोमाइट ओर, किससे प्रिपेयर किया जा सकता है ये आपके पास बाय क्रोमाइट ओर, बड़े ध्यान से समझेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर। अब पॉइंट माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये क्रोमाइट ओर आपके पास क्या होता है, तो देखिएगा क्रोमाइट ओर आपके पास क्या होता है FeO.Cr2O3, ये आपके पास क्रोमाइट ओर होता है, ठीक है FeO.Cr2O3 क्रोमाइट ओर है। जब इस क्रोमाइट ओर की रोस्टिंग करवाई जाती है सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, देखिएगा मैं लिख देती हूं रिएक्शन, मेरे पास क्रोमाइट ओर हो गया FeO.Cr2O3 विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है और हम इसकी यहां पर क्या करेंगे रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करेंगे इसका मतलब यहां पर रोस्टिंग क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इन द अब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, सॉरी क्या होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम इसकी रोस्टिंग करेंगे किसकी क्रोमाइट ओर की सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा Na2CrO4, क्या बन जाएगा Na2CrO4, रोस्टिंग से आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है Na2CrO4, जो आपके पास येलो कलर का कंपाउंड होता है, इसका कलर कैसा होता है येलो कलर होता है, और इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास बन गया सोडियम क्रोमेट, क्या बन गया आपके पास सोडियम क्रोमेट, लेकिन हमें तो सोडियम क्रोमेट चाहिए नहीं, हमें तो पोटेशियम क्रोमेट चाहिए, तो पोटेशियम क्रोमेट चाहिए तो आप इसको एसिडिक मीडिया में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सोडियम का डाइक्रोमेट, देखना एसिडिक मीडिया में H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा Na2Cr2O7, जो आपके पास क्या है सोडियम डाइक्रोमेट, क्या है ये आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट है, मैंने आपको बोल दिया लिख दिया मैंने शॉर्टकट में सोडियम डाइक्रोमेट है। जब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है, इसलिए ये जो पोटेशियम इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट को किससे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो हम कहेंगे बाय क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है FeO.Cr2O3, पहले क्रोमाइट ओर जो है वो येलो कलर का सोडियम कंपाउंड सोडियम क्रोमेट बनाएगा, फिर सोडियम क्रोमेट जो है ये एसिडिक मीडिया में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इसको जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्योंकि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो ये पोटेशियम इस सोडियम को रिप्लेस करेगा और हमारे पास बन जाएगा K2Cr2O7। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा यहां पर एक रिएक्शन और आपके साथ में इंपॉर्टेंट चल रही है, और वो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट चल रही है वो क्या चल रही है मैं उस रिएक्शन की बात कर लेती हूं। तो वो जो मेरे पास में रिएक्शन इंपॉर्टेंट चल रही है वो ये चल रही है, देखो ये मेरे पास था Cr0O4 2-, ठीक है, और यहां पर ये मेरे पास क्या बन गया Cr2O7 2- बन गया, ठीक है, किसमें एसिडिक मीडिया में H पॉजिटिव एसिडिक मीडिया के अंदर मेरे पास ये बन गया। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं कि क्रोमेट आयन जो है वो डाइक्रोमेट आयन में चला जाता है, किसमें एसिडिक मीडिया में, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको डिटेल में समझाती हूं, लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखिएगा आपके पास क्या आता है। चलो अब देखिएगा क्या कह रही थी मैं, Cr0O4- था मेरे पास, ठीक है, क्या था मेरे पास Cr0O4 2-, क्रोमेट आयन था, जब हमने एसिडिक मीडिया लिया H पॉजिटिव तो हमारे पास क्या बन गया Cr2O7 2-। अगर मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, इधर सुनिएगा ध्यान से, तो मैं ये कह दूंगी कि इन एसिडिक मीडिया, ठीक है, क्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इंटू डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इंटू डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडिया में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एसिडिक मीडिया में कौन ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक मीडिया में मेरे पास कौन ज्यादा स्टेबल है, डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये क्रोमेट से किस में जा रहा है डाइक्रोमेट में जा रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडिया में ये कौन ज्यादा स्टेबल है डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये क्रोमेट से किस में जा रहा है आपके पास डाइक्रोमेट में जा रहा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बेसिक मीडिया में बात करें तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये रिवर्स हो जाएगा। बेसिक मीडिया की बात करूं तो रिएक्शन पलट जाएगी, क्या हो जाएगी देखना, सी आर टू
O72 negative. When treated with basic media, it convert into chromate ion CrO42 negative. ठीक है, और प्लस में H positive. इसका मतलब बेसिक मीडिया में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल है. ये आप कॉपी में नोट करते रहेंगे जो मैं बोल भी रही हूँ कि बेसिक मीडिया में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्रोमेट आयन. और एसिडिक मीडिया में कौन ज्यादा स्टेबल है? डाइक्रोमेट आयन. तो इन एसिडिक मीडिया क्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इंटू डाइक्रोमेट आयन. इन बेसिक मीडिया डाइक्रोमेट आयन इज कन्वर्टेड इंटू क्रोमेट आयन. ये भी आप ध्यान रखेंगे. समझ में आ गई बात? तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको देखने थे. अब मैं आपको बात करती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन आ जाती है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करवाया जाता है हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब क्या बनता है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब क्या बनता है. तो हम बात करते हैं क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन की. K2Cr2O7 जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या बनने वाला है. और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे इस किसके साथ? कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या बनने वाला है. ये हमारे सामने क्वेश्चन बना. डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेगा, प्रोडक्ट पूछेगा आपसे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बताना है आपको. जब हम हॉट के साथ बात करें या कोल्ड के साथ, तो कोल्ड के केस में हमारे पास बनता है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3. क्या कहा मैंने? कोल्ड जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है. क्रोमिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? CrO3. तो ये बन जाता है आपके पास क्रोमिक एनहाइड्राइड. उसके बाद अगर हम हॉट की बात करें तो आपके पास क्या बनता है? क्रोमिक सल्फेट बनता है. ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कैसे. तो देखिएगा, हॉट के साथ जब आप ट्रीट करवाओगे तो बनेगा Cr2SO4 की थ्राइस. ये बन जाता है क्रोमिक सल्फेट. समझ में आई बात? और प्लस में कौन सी गैस निकल जाती है? ऑक्सीजन गैस निकल जाती है. अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखूं कि मेरे पास क्या रिएक्शन हुई है, तो यहां पर मेरे पास क्रोमियम किस स्टेट में है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और यहां पर मैं बात करूं तो क्रोमियम किस में था? +6 में था. एक क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? 3 चेंज हुआ है. कितना चेंज हुआ है? 3. यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3. यहां पर कितना था? +6. तो ये +6 से किस पे आ गया? +3 पे आ गया. ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बात करती हूं. देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा कि जब हम K2Cr2O7 को ठीक है ट्रीट करवा रहे थे हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास बन गया, हमारे पास जो बन गया Cr2SO4 की थ्राइस, और प्लस में ऑक्सीजन गैस एलिमिनेट हो गई. यहां पर मेरे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. नोट डाल करके आप देखेंगे, चीजों को समझेंगे. यहां पर मेरे पास क्रोमियम +6 में था, यहां पर मेरे पास क्रोमियम किस में आ गया? +3 में आ गया. मेरे पास कुछ हो रहा है कि क्रोमियम 6 पॉजिटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव बन रहा है. इसका मतलब मेरे पास क्रोमियम क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन होता है. और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. मैं आपको ये कह रही हूं, तो मैं आपको ये कह रही हूं कि जो मेरे पास ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यह किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आगे आगे मैं O.A लिखूंगी. तो आपके पास आ जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी तरह काम करता है? तो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हाउ कैन यू से दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देन आप ये रिएक्शन बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो जाता है? क्रोमियम 6 पॉजिटिव से किस में चला जाता है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चला जाता है. ठीक है, ये हो गया. एक के लिए आपके पास चेंज कितना हो रहा था? 3 हो रहा था. तो 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? देखो, यहां पर एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3. तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 क्रोमियम 6 पॉजिटिव, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये गेन कर लेगा. अब हमें क्या निकालना होता है? इक्विवेलेंट वेट. क्या निकालना होता है हमें? इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है. और आई होप इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आता होगा रेडॉक्स रिएक्शंस के केस में. इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन. एन क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल गेन हुए, तो कितने हुए? 6. तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 6. समझ में आई बात? तो ये आप यहां से क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो, और आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी. अब हम इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखने वाले हैं किसके साथ? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ. देखिएगा ध्यान से, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया,
ठीक है, कहेगा क्या होता है जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। आप सब जानते हैं H2O2 और प्लस में क्या होता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडिया में जब आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड। आपको बस ये मेजर प्रोडक्ट याद रखना है, क्या बनता है, क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड। अब क्वेश्चन तो ये भी आ गया ना कि इस क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आपको बताना है, ठीक है, और यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये भी आपको बतानी है। तो देखिएगा ये आपके पास है क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, क्या है आपके पास, ये क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कैसा होता है, इधर देखिएगा क्रोमियम के पास कितने ऑक्सीजन है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। क्रोमियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो मैं यहां पर 6 कंप्लीट कर देती हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैं ऑक्सीजन लगा देती हूं ये, तो यहां पर ये दो पर ऑक्साइड लिंकेज बन गई, ये वाली, ये दोनों क्या बन गए आपके पास, पर ऑक्साइड लिंकेज। और यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नाम देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ना कि +10। बहुत सारे बच्चे इसको मेथड से निकालते हैं और क्या कहते हैं, क्रोमियम को एक्स मान लेते हैं, 5 × में ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 और =0। तो बोला जी यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 10, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इसके लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, तो हम उसे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम क्या देखते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। इससे हम किसके बारे में चेक करते हैं, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। यहां पर हमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है सोल्ट में, उसके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट आपके पास यूज किया जाता है। ये क्या होता है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करवाया जाता है। देखिएगा रिएक्शन लिख देती हूँ, एसिडिक मीडिया में, ठीक है, और मान लो मुझे पोटेशियम क्लोराइड में चेक करना है, मैंने एक मेरे को ये सोल्ट मिला कोई भी था, सपोज को मेरे पास ये KCl था, मुझे चेक करना है कि इसमें क्लोराइड आयन है या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो मुझे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देखना पड़ेगा। तो ये मुझे मिलेगा क्या, अगर मुझे ये रिएक्शन होने पर क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है CrO2Cl2, ठीक है, ये आपके पास जो है क्या हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है और वो क्या आएगा, CrO2Cl2, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड, ये मेरे को मिलेगा। क्रोमाइल क्लोराइड की डिटेक्शन आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके रेडिश ब्राउन कलर के वेपर बनेंगे, कैसे वेपर बनेंगे, रेडिश ब्राउन कलर के। अब अगर तो आपने किसी भी सोल्ट को पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक मीडियम में डाला और आपको रेडिश ब्राउन वेपर मिल गए, इसका मतलब वहां पर क्या था, वहां पर सोल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट था, वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा CrO2Cl2। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्लोराइड आयन है कि नहीं है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। तो देखिएगा दोबारा से एक बार, मैं अगर स्लाइड वाइज बात करूं तो आपने क्या क्या देखा है, ठीक है, तो आपने स्लाइड फर्स्ट में देखा, हमने डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट किया, हमने बात की पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की मैंने यहां पर आपको रिएक्शंस नहीं करवाई है, मैं पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट की रिएक्शन एक साथ करवा दूंगी कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। यहां पर मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया है, इसकी प्रिपरेशन सिखाई है, इसके कुछ टेस्ट थे, इसके कुछ रिएक्शन थे जिनके प्रोडक्ट थे वो बताए हैं, और मैंने ये बताया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। तो देखिएगा स्लाइड वन में आपने स्ट्रक्चर सीखा, ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या देखा कि ये प्रिपेयर कैसे होता है, उसके बाद में आपने क्या देखा कि इसका क्रोमेट आयन जब एसिडिक मीडियम में है तो डाइक्रोमेट आयन बनेगा, ये आपके पेपर में डायरेक्ट मिल जाएगा, और जब डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में है तो क्रोमेट बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शंस देखी हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कोल्ड कंसंट्रेटेड के साथ। कोल्ड के साथ तो क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन हॉट के साथ इसमें क्रोमिक सल्फेट बनता है 3+, ठीक है, और यहां से हमें पता चला कि ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो मैंने आपको यहां कंप्लीट सिखाया। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो ये होता है मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, एन फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये था, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जब ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड। और लास्ट आपके पास क्या थी कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, ये कैसे चेक किया जाता है। तो इतनी बात थी, आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, आपके कोई सजेशंस है, कोई फीडबैक्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।